मनहूस बहन को मैंने कमरे में लॉक कर दिया। एक मिनट, शायद इसे कमरे से गैस लीक हो रही है, और अगर इतनी गैस लीक हो रही है, हो सकता है कि वो मिश्री मर चुकी होगी। तुम रुको एक मिनट, मैं देखती हूँ। अगर चांदी में देखने के आ रही है, अब चुप जाइए जाकर कहीं, अकेले ताकि हम उनसे सच मिलवा सके। चाहिए ना चांदी? मेरा काम हो गया, मेरे गायब होने का प्लान अच्छे से सक्सेस रहा। ये मिश्री नाम की मुसीबत तेरे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। कांग्रेचुलेशंस मानी। आपको क्या लगा कि हम मर गए हैं? पर शायद आप भूल गई है, नवरात्रि में बुराई की नहीं अच्छाई की जीत होती है। आपने जो किया मुझे बुरा लगा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पर वानी मेरा दिल भी तोड़ा। मिश्री के आने वाले एपिसोड में भाई एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मिश्री पर इतने अत्याचार कर रही है ना वानी, समझ में नहीं आ रहा। मतलब वानी तो अब ये भी बोल रही है कि इसने जानबूझ के डांस कॉम्पिटिशन में नाटक किया था और यहाँ पर कांच गिराए थे। अब यहाँ पर मिश्री बार बार यही कह रही है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर अपने राघव जी को समझा रही है कि राघव जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब ना इसी की चाल है। अब वानी के ऊपर ही पूरी इल्जाम लगा देती है। लेकिन यहाँ पर भाई वानी बहुत तेज है ना, अब यहाँ वानी उससे पूछ भी लेती है कि ये बताओ तुम्हारा पति कौन है और तुम्हारा पति तुम्हें लेने क्यों नहीं आया यहाँ पर, तुम्हें से छोड़ के क्यों बैठा हुआ है। और उसे पता ही है कि भाई ये कुछ भी नहीं बोलने वाली है राघव के खिलाफ, क्योंकि वो बोलेगी तो यहाँ सब लोग उससे क्वेश्चन करेंगे और बहुत बात बढ़ जाएगी। और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है अभी तक कि भाई उसकी शादी भी हुई है, तो यहाँ तो वो चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसके डांस कॉम्पिटिशन में पैर वैर लगी है, चोट लग गई है, खून निकल आया, तो इस बात का वो फायदा उठा रही है। और वानी ना भाई अब कहती है कि तुम्हें ना मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और अब यहाँ पर दादी से भी बोलती थी कि मिश्री से ना मुंह रिगड़ के मेरे को माफी मंगवाओ, मतलब यहाँ पर जूतों के ऊपर मेरे नाक रिगड़े और उसके बाद मैं माफ करूंगी उसको। लेकिन यहाँ पर मिश्री भी झुकती है, लेकिन उसके बाद अचानक से उठ के बोल देती कि मेरे को कोई माफी नहीं मांगनी, क्योंकि मैंने तो कोई गलती नहीं की, और मैंने गलती की होती तो माफी मांगती ना। और इसी बात को लेकर भाई यहां पर वानी बहुत हंगामा कर देगी, और देखते हैं वानी की क्या नई चाल होती, क्योंकि वानी ना यहां पर किसी तरीके से भाई इसको भगाना चाहती है मिश्री को। और यहां राघव धीरे धीरे करके मिश्री के करीब आता जा रहा है। हमने देखा था किस तरीके के रोमांटिक सीन था यहां पर, एक दूसरे के संग कंचे खेल रहे हैं, और यहां भाई मिश्री जो है ना वो राघव को सिखा रही है कैसे खेलते हैं कंचे, और वहीं एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर अब वानी क्या करती है, कौन सा गेम करती है, क्योंकि यहां तो उसको मिश्री को भगाना है। उसने सोच लिया है कि मिश्री को भगा के रहूंगी यहां से, और वहीं मिश्री ने यह सोच लिया है कि इस नौ दुर्गे तक भाई मैं सारा सच लेकर आ जाऊंगी राघव के सामने।